नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ 20,000 चूहों का घर है। जी हाँ, कहते हैं यहाँ पर अगर सफेद चूहे दिख जाएं तो समझ जाइए कि आपकी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी विषय हैं, वो पूरी हो जाएंगी। बात कर रहे हैं करणी माता मंदिर के। ये है बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर। कौन थी करणी माता? बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिघुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था। बैराग होने के बाद माता संस्कारी जीवन को छोड़ करके भक्ति और लोगों की सेवा में लग गईं। ये भी कहते हैं कि संस्कारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। ये भी कहा जाता है कि 51 वर्षों तक जीवित रही थी माता ने, जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वही आज मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के रियासत के महाराजा गंगा सिंह सिंह ने करवाया था, ऐसा कहा जाता है। मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनो शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर के प्रांगण में, गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आते हैं। यहाँ लगभग 20,000 चूहे हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम ही चूहों वाला मंदिर रख दिया गया है। इसे कहा जाता है चूहों वाला मंदिर। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, पर्यटक ज़्यादातर यहाँ पे आपको विदेशी दिख जाएंगे जो आकर यहाँ रिसर्च करते हैं इन चूहों के बारे में और मंदिर के बारे में। ये रहस्यमय मंदिर ऐसे मानता है कि करणी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर के उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुले आम घूमते नजर आते हैं। आप अगर आ जाते हैं, आप आइए यहाँ पर और देखेंगे कि आपको हर तरफ चूहों के खाने के लिए व्यवस्था की जाती है। उन्हें हर तरह से चना, गुड़, दूध, सब पानी उनके लिए सॉरी, तो इस तरह से उनके खाने की व्यवस्था भी की जाती है और उनके बकायदे उनके लिए घर भी बनाए जाते हैं, अंदर मंदिर के अंदर बने हुए हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला कि तो देशनोक की रक्षा इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया। तो एक कहानी ये भी है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है, इनकी सुरक्षा की जाती है। इन चूहों के आपको पाप घिस करके चलना पड़ता है। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो आप शगुन माना जाता है। ये सब शगुन से बचने को यहाँ पर सोने का चूहा बनवा करके रखना होता है। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर। कहा जाता है कि चूहे भी आपके पैरों के ऊपर से होकर के गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि अपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होगी। बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर सफेद चूहे। मैंने 2 बार गई वहाँ पर, सफेद चूहे नहीं देख पाई। काले चूहे तो बाकी तो है, चूहा भी आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहों का जो जूठा भोजन यहाँ पर बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ये पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इन चूहों की एक विशेषता ये भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगल आरती और शाम में 7 बजे मध्य आरती के समय अपने बिल में ये चले जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध नहीं आती और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई भी बीमारी नहीं हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत ही रोचक है इस मंदिर की कहानी।
कैसी लगी आपको इस मंदिर की कहानी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जाने की सुविधाएं हैं, आप बीकानेर पहुंचिए और वहां से आप बाय टैक्सी बाय बस जैसे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं 600 साल पुराना मंदिर है। तो इस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ चूहों वाला ये मंदिर जो बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही खूबसूरत है और बस माँ की कृपा है जिसे चाहती हैं। लोग विदेशों से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। जब मैं गई पहली बार तो ठंड का टाइम था और मैंने देखा इतने पर्यटक आए हुए थे, कोई जर्मनी से है, कोई यूएसए से, कोई इटली से, इंडोनेशिया से, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई यहाँ पर। मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि सब लोग रिसर्च करना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, इसका रहस्य क्या है, चूहों का, इतने चूहे मंदिर में, और किसी को कोई नुकसान, कोई बीमारी, ये चमत्कार ही है।